हम लोग सकारात्मकता की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो कई सवाल मन में आते हैं, ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब अप्लाई करते हैं, मैनिफेस्टेशन को जब अप्लाई करते हैं, तो कई बार सवाल आते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है। तो ईश्वर ने हमें जो मन दिया है, जो थॉट की पावर दी है, उसकी वजह से हम, क्योंकि सवाल करने का एक हमारे को अधिकार दिया गया है, हम सवाल की बजाय शक करने लग जाते हैं। और शक किसके ऊपर? यहाँ तो बात हो रही है विचारों की, बात हो रही है अपनी फ्रीक्वेंसीज की, अपनी वाइब्रेशंस की, तो इसका मतलब शक अपने ऊपर ही हो रहा है। जबकि लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे होंगे कि आपने कई बार जो चीजें सोची होंगी वो पूरी हुई होंगी और आपने उसको रिलेट नहीं किया, तो आप ये विश्वास नहीं कर पाए कि वो आपके माध्यम से हुई, आपके द्वारा हुई। अब अपने ऊपर विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने मन के ऊपर विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मन को नकार रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो मन हमारे हक में, हमारे हित में काम क्यों करेगा? जिस भी दोस्त को हम गलत बोलें, उसके बारे में गलत सोचें और फिर भी दोस्त कहें, कैसे हो सकता है? अगर दोस्ती है तो है और नहीं है तो नहीं है। दुश्मन के मामले में हम ऐसा कभी नहीं सोचते, उसके बारे में हमारी राय बिल्कुल एक होती है कि आदमी सही नहीं है, गलत है, इसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। पर दोस्त के बारे में शक क्यों होता है? ऐसे ही ये मन हमारा है जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है, और इसको हम शक के दायरे में क्यों रखते हैं हमेशा? हमें पता ही नहीं होता कि इस मन ने हमें कितनी बार चमत्कार करके दिखाया है और आगे भी दिखाएगा। आपके जीवन के जितने भी चमत्कार हैं वो स्वयं आपने करने हैं मन के माध्यम से। इस दुनिया में किसी की कोई ताकत नहीं है जो आपके जीवन के चमत्कार वो करके दिखा दे, और उसके लिए मन को शक के दायरे से बाहर लाना पड़ेगा आपको। अपने ऊपर ही विश्वास अगर नहीं करेंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास क्यों करें? करना भी नहीं चाहिए। तो अपना ऊपर फेथ बिल्ड करना, अपने मन के ऊपर फेथ बिल्ड करना, किसी भी किस्म के शक के दायरे से इसको बाहर रखना, ये हमारी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है। और जैसे जैसे हम मन को साधते जाएंगे सच, तो हम देखते जाएंगे कि मन जो सोचता है, जो विचार करता है, वो साकार रूप धारण करना शुरू कर देता है। और अब होता क्या है, हमने सुबह ये प्रार्थना की, हमने सुबह ये टॉक सुनी, तो हमें लगा यार बात तो सही है, बात सही की जा रही है, मैं तो बिल्कुल सकारात्मक हूँ, मैं तो बिल्कुल सही सोचता हूँ। और सारे दिन में हम बोलते क्या है, किसी दूसरे के बारे में क्या बोलते हैं, किसी परिस्थिति के बारे में क्या बोलते हैं, किसी के बारे में भी क्या बोलते हैं, उसको हमें स्टडी करना है। और अगर हम किसी के बारे में कुछ भी गलत बोल रहे हैं तो हम अपने मन को उस वीक कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रदान नहीं कर रहे हैं। हमने मन को स्ट्रेंथ प्रदान करनी है हर समय, कोई भी बात हो, कोई भी घटना घटे, कोई भी कुछ बोले, किसी के बारे में भी कुछ बोले, हमें उसको, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट उसमें देखना है। किसी ने आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया, उसमें आपके लिए क्या पॉजिटिव था, आपके लिए क्या लर्निंग थी, आपको क्या जानकारी मिली कि आगे से इस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है, या आप उसमें डूब गए, उसी में लोट हो गए और उसी में आपके इमोशंस और फीलिंग्स और वाइब्रेशंस डिस्टर्ब हो गए। कोई व्यक्ति आपके साथ अगर गलत बोलता है तो उसका तो मकसद ही आपके इमोशंस, फीलिंग्स, वाइब्रेशंस को डिस्टर्ब करना, और आपने, उसने तो एक बार किया, आप तो सारा दिन अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने मन पर विश्वास नहीं है। मन छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने में समर्थ है, कैसा भी कोई काम मन करने में समर्थ है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। नासा में एक बार एक सैटेलाइट अपने कक्ष में, जो भी उसकी एक्सेस होती है, जो भी उसका ऑर्बिट होता है, उसमें सही पोजीशन में टिक नहीं रहा था। पहुंच तो गया था वहां तक, पर सही पोजीशन में टिक नहीं रहा था। तो नासा के सारे साइंटिस्ट सब ने सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ। वहां पर एक इंडियन साइंटिस्ट भी थे जो मेडिटेशन, योग वगैरह खूब करते थे। और नासा में एक खूबी है कि वो भारत के कई ऐसे लोगों को वहाँ पर रोजगार दे चुके हैं जो सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, सिर्फ ध्यान करते हैं, सिर्फ अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हैं और कुछ जानते हैं। तो इंडियन साइंटिस्ट ने जब देखा कि किसी के बस ही कुछ नहीं है, और कोई कुछ नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने सबसे कहा आप सब ये पैनल छोड़ दीजिए और मुझे कुछ ट्राई करना है। तो जितने भी लोग वहाँ पर थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, सबको अपना अपना टेबल छोड़नी पड़ी और ये इंडियन साइंटिस्ट उस पैनल के आगे जाके बैठे। छुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान किया और मुश्किल से 5 मिनट ध्यान किया और मन से ही उस हेडलाइट को छक्का दिया, मन से छक्का दिया, और उस हेडलाइट उस ऑर्बिट में उस एक्सिस में जाके सही जगह पोजीशन में आ गया। चमत्कार तो बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, और मानेंगे तभी तो कोई कह सकता है धक्का है, कोई कह सकता है मुझे तो होना ही, बाई चांस टाइम आ गया होगा उसका होने का, कोई कुछ भी कह सकता है। और अगर ऐसा कहा तो फिर से मन के ऊपर अविश्वास शुरू होगा। विश्वास जो है अपने मन के ऊपर, जो मन को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रदान करता है।